नमस्कार, स्वीट न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते हैं आज के समाचारों की ओर। जनपद न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर में किया वृक्षारोपण। बरेली उत्तर प्रदेश स्तर पर चल रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत आज न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली द्वारा सुबह 9 बजे न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में बरेली न्यायालय के समस्त न्यायिक अधिकारीगण मौजूद रहे और वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत चंदन, अशोक, सागौन आदि वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर सचिव बरेली अतुल चौधरी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम विधिवत सम्पन्न हुआ, जिसमें महिला न्यायाधीशों ने भी वृक्षारोपण कर उक्त आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम के सफल बनाने में न्यायालय के समस्त न्यायाधीश, अधिकारीगण और कर्मचारियों का सहयोग रहा। जो भारत छोड़ो आंदोलन की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो माननीय उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश महोदय के निर्देश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले आज सारे प्रदेश के न्यायिक परिसरों में, दीवानी अदालतों में, जिला जज साहब के आवास पर, न्यायिक परिसरों व अन्य बाह्य न्यायालयों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम 17/8/2019 को जिला जज महोदय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश में किया गया था। जनपद बरेली में आज 4 ऑफलाइन कोर्टों में और दीवानी परिसर के न्यायालय में प्रातः जिला जज साहब द्वारा वृक्ष लगा के व अन्य सभी न्यायिक अधिकारियों द्वारा दीवानी परिसर में पेड़ लगा के वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिससे दीवानी परिसर और न्यायिक अधिकारी के आवासों पर भी सभी न्यायिक अधिकारियों द्वारा पेड़ लगाया गया। समाज को यही संदेश है कि आने वाले वक्त में जो ये सब समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, जो वृक्षारोपण के माध्यम से वातावरण को दूषित मुक्त करने के लिए, उसको स्वच्छ करने के लिए न्यायालय की भी सहभागिता हो, साझेदारी हो, इसी उद्देश्य क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट वकील सभी लोग आते रहते हैं, इसी उद्देश्य से कि वो लोग भी इस वृक्षारोपण का फायदा उठाए, इस स्वच्छ वातावरण का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके, इसी उद्देश्य हेतु न्यायालय परिसर में भी इसका आयोजन वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज संपन्न किया। हर आदमी के लिए कोई नए विषय नहीं है, ये वृक्ष जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। आप देखते हैं कि इस गर्मी के सीज़न में जहाँ पर भी वृक्ष होते हैं वहाँ 10-20 लोग नीचे खड़े हो जाते हैं, तो यही महत्व है कि इससे जो है हम लोग स्वच्छ वातावरण मिलता है, एक हरी हरियाली मिलती है, जिससे एक स्वच्छता का अनुभव होता है। सबसे बड़े जो आजकल की दिक्कतें, सांसों की दिक्कतें, शारीरिक त्वचीय दिक्कतें हो रही हैं, इन सब को भी दूर करने के पर्यावरण का बहुत 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 योगदान है। विकास विभाग की लापरवाही, दिन भर जल रही है पोल पर लाइट। सरकार जनता के हित में तमाम योजनाएं चलाकर जनता को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन नगर निगम के विभाग के अफसर इसमें चूना लगाने का काम कर रहे हैं। विकास विभाग की लापरवाही से शहर में लगी लाइट दिन भर जलती दिखाई दे रही है। इस मामले में सिटी न्यूज की टीम ने पड़ताल की तो सही पाया। इस पर उप सभापति ने बात की तो उन्होंने बताया कि यह गलत है, प्रकाश विभाग के अधीक्षक को पत्र लिखने के बाद यह मामला बोर्ड पर उठाया जाएगा। ये मेरे संज्ञान में पहले भी आ चुका है और आपने आज मुझसे ये कहा है, मैंने इसके बारे में जो है जो प्रकाश विभाग के हमारे अधीक्षक हैं उनको मैं लेटर इशू करूँगा और इसमें तत्काल कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि दिन में लाइटें जो हैं वो बंद होनी चाहिए। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि स्विचमैन भी कुछ हटा दिए गए हैं, तो उन स्विचमैनों के लिए भी अब हम बात करेंगे, नहीं तो इसको कारकारिणी में लगाएंगे और इस व्यवस्था को ठीक कराएंगे। अब समय होता है छोटे से ब्रेक का। जिलाधिकारी बरेली बृंद कुमार सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली डॉक्टर विनीत कुमार शुक्ल के द्वारा सूचना जनित में जारी। बधाई हो, सुना है तुम माँ बनने वाली हो। साथ में एक और खुशखबरी है माँ जी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार माँ बनने वाली हर गर्भवती महिला के खाते में औसतन 6,000 रूपए जमा किए जाएंगे, ताकि उसे मिले पौष्टिक आहार और उचित आराम। रजिस्टर करने पर 1,000 रूपए, पहला चेकअप कराने पर 2,000 रूपए, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी पर औसतन 1,000 रूपए
और बच्चे के पहले चरण के टीकाकरण और जन्म पंजीकरण कराने पर 2000 रुपए। मतलब खुशखबरी पे खुशखबरी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना रजिस्टर करने के लिए आंगनवाड़ी या आशा दीदी से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सपा के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने की ईवीएम मशीन बंद करने की मांग। सपा के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने शनिवार को अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीन से चुनाव कराना खत्म किया जाए, उसकी जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि ईवीएम मशीन से खिलवाड़ किया जा रहा है और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीन का प्रयोग सबसे पहले नीदरलैंड में 2006 में किया गया था, जिसका प्रयोग नीदरलैंड ने बंद कर दिया। जर्मनी ने 2009 में पारदर्शिता पर संदेह होने के चलते इसका प्रयोग बंद कर दिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने कहा, ईवीएम या अन्य किसी गड़बड़ी की शंका इलेक्शन में जाहिर थी। हम लोग जब कहते हैं तो ना तो चुनाव आयोग सुनता है और ना प्रशासन, और सरकार के तो कान पर जू नहीं रहती, और तरह तरीके की अगर ईवीएम पर कमी नहीं निकली तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, जिसकी वजह से विपक्ष के मुंह बंद हो गए। हालांकि हमारे पूर्व सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी जो बदायूं से हारे, उनने कहा एक ही विधानसभा में पड़े वोट और निकले वोटों में 15,000 की कमी थी, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी। ऐसे ही हमारे पास भी कुछ आंकड़े हमारे नवाबगंज में 17 बूथों का वो किया है, अभी तो बहुत सारी विधानसभाएं देखनी बाकी हैं। नवाबगंज में 17 बूथों पे पड़े वोट और निकले वोटों में 100-150 वोटों का अंतर है। जैसे 12 के चुनाव को अगर देखें विधानसभा के, तो केवल 18 वोट से जीत हार हुई, और जब इतने बड़े मार्जिन से पड़े वोटों के मुकाबले में निकले वोट कम या ज़्यादा है तो कैसे जीत और हार का आंकलन लगाया जा सकता है। तो ये समाज में एक ईवीएम के बारे में हम भ्रम की स्थिति है। मेरा भी मानना है बहुत सारे बूथ, जैसे संतोष गंगवार ने एक 290 कालीबाड़ी में एक बूथ का जिक्र किया है पेपर में, कि उसमें 583 वोट सपा को मिले जबकि वो बूथ, और 5 वोट भाजपा को मिले जबकि वो बूथ भाजपा का माना जाता है, गढ़ माना जाता है। ऐसे ही मेरा कहना है कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे बूथ, चाहे शहर की बात में नवाबगंज गोजीपुरा या मीरगंज या शहर के दोनों विधानसभाओं में, ऐसे बहुत सारे बूथ हैं जहां भाजपा का एक वोट नहीं निकलता था और वहां भाजपा जीत गई। जंक्शन जाने वाले हो जाएं सावधान, पलट सकता है टेम्पो। शहर की सड़कों का हाल बेहाल है, जिस कारण बैरिलियंस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें हम केवल जंक्शन रोड की, तो यहाँ जाने से पहले आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि इस रोड पर गहरे गहरे गड्ढे और उखड़ी रोड हादसे का कारण बन सकती है। नगर निगम की अनदेखी से यह रोड हादसों का सबब बनने जा रहा है। बरसात होने के कारण गड्ढों में भरा पानी भी आफत बन सकता है। इस सड़क से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि सरकार जहां प्रदेश को गड्ढा मुक्त कराने की बात करती है, वहीं जंक्शन रोड गड्ढा युक्त बन गई है, जिस कारण आए दिन लोग चोटिले हो जाते हैं। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने बताया, पब्लिक काफी दिक्कत होती है, पानी भर जाता है यहाँ मंदिर के पास में जो गड्ढा है, पानी भर जाता है। बरेली जिले का बहुत बड़ा स्टेशन है, पब्लिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है, पब्लिक को बहुत दिक्कत होती है। 3-4 रुपये में ज़्यादा पानी भर जाता तो गड्ढा जो है कहाँ गए, कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है, रुकते जाते हैं। हम तो यही मांग करते हैं कि भगत जगत आते हैं और उनको बड़ी परेशानी होती है कि यहाँ धूल मिट्टी भी है, ट्रैफिक जो होती है, जब गाड़ी आती है तो दोनों तरफ से इतना ट्रैफिक हो जाता है कि एक तो रोड इतना ख़राब हो गया है, और रोड ख़राब होने की वजह से ट्रैफिक भी धीरे हो जाती है, और धीरे होने की वजह यह है कि पूरा जाम हो जाता है ट्रैफिक, और इस पानी बारिश हो जाता है तो बारिश में तो और ज़्यादा ही पानी भर जाता है और ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता है, पैदल भी निकलने का इधर उधर का परेशानी हो जाती है, फिर जब बारिश नहीं होती है सूख जाता है तो इतना धूल इतना ऐसा धूल हो जाता है, जो भी गाड़ी आती है धूल उड़ाती है, रोड ख़राब हो जाता है,
कोई कभी कभी टेम्पो भी गिर जाते हैं, ई रिक्शा होता है उसमें उछड़ा इधर उधर हो जाता है तो गाड़ी गिर भी जाती है, नुकसान भी होता है। तो हम ये मांग करना चाहेंगे कि मंदिर के सामने ये रोड जो खराब हो गया है उसको अच्छा से अच्छा हो जाए और बढ़िया होगा तो सभी यात्रियों को आने जाने वाले भक्त जगत को भी संसाधन अच्छा मिलेगा। यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत फंस जा रही हैं, जाम लग जा रही है और पानी भर जाता है यहाँ, और ये पानी सूखता है तो बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, बहुत परेशानी होती है उससे गर्दे की वजह से। बारिश में कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यार? बारिश में यहाँ बहुत पानी भर जाता है, जल्दी निकलता नहीं, कहीं निकलने का रास्ता ही नहीं है। पैदल निकल सकते हैं बारिश के पानी में? पैदल भी नहीं निकल पाते हैं जी, यहाँ तो पैदल भी इधर उधर से निकलना पड़ता है, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? हम तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ बहुत जनता आती जाती है, मेन जंक्शन बरेली का है और ये मंदिर का सामना है, यहीं से पानी भरता है और इसको सही किया जाए। हम योगी जी से प्रार्थना करते हैं कि ये परेशानी समस्या को सोल्व किया जाए पब्लिक। चौकी चौराहे पर नमाज पढ़ने को लेकर लगी आपत्ति। पिछले दिनों चौकी चौराहे पर नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस ने मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों को सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मना किया था। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने नमाजियों के लिए मस्जिद के बाहर दो पट्टियों में नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन लखनऊ से एडीजी के फरमान आने के बाद बरेली पुलिस फिर से सक्रिय हो गई है और सड़क पर नमाज पढ़ने की दी हुई अनुमति रद्द कर दी है। इस बारे में एसपी अभियान सिंह ने बताया कि पहले हम लोगों ने आपस में बातचीत करके ये चीज एक सॉल्यूशन निकाला था कि अगर लोग बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आगे देकर वहाँ उनको एडजस्ट किया जाए ताकि वो नमाज भी पढ़ सके और जो है रास्ता भी हमारा चलता रहे। परंतु अब जब हमारे डीजीपी सर का ये आदेश आ गया है तो पब्लिकली जो है वो नमाज पढ़ना अलाउ नहीं किया गया। वहीं नमाजियों ने प्रशासन की बात को मानते हुए कहा, नहीं जायज नहीं है, हम इस बात को खुद मानते हैं कि ये नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे नमाजी जो है ये कोई मोहल्ला तो है नहीं, यहाँ के आसपास के अस्पताल के लोग और जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं या जो दुकानदार हैं वो लोग आते हैं, तो उसके लिए कि भाई यहाँ पे एक सहूलत थी, अगर गवर्नमेंट ये कहती है, कानून ये कहता है कि भाई अब नहीं होगी तो हम उसका बिल्कुल कानून का पालन करेंगे, हम कतई ये नहीं चाहेंगे, ना कोई विवाद करना है हमें, नहीं है, हमें इजाज़त दी जाएगी, हमें इजाज़त दी है उन्होंने कि आप छत पर पढ़िए, हम छत पर पढ़ें। हमें क्या सड़क पर नमाज पढ़ी जा सकती है? नहीं नहीं, इस्लाम के कहने में आप मत जाइए कि इस्लाम क्या कहता है, ये एक वक्ती ज़रूरत है, इसमें वहाँ से ये नहीं आया, जब पहले की इस्लाम की जो बात थी, बात बुनियादी चीज़ें हैं उसमें और अब में ये फ़र्क है, ये एक ज़रूरत है, ये एक वक्ती ज़रूरत है, सिर्फ 15 मिनट की होती है ये नमाज, ये ऐसा नहीं है कोई अतिक्रमण या बैठ गए या कुछ नहीं है, सिर्फ 15 मिनट हमें लगते हैं नमाज़ पढ़ने में, आप खुद देखेंगे अभी 15 मिनट के बाद यहाँ पे हम खुद अपने, और रही हादसे वाली बात तो हम 4-6 लोग आते हैं अपने नमाज़ पढ़ के पहले दूसरी जगह से, समझ रहे हैं आप बात को, और उसको हम सेफ्टी करते हैं, गार्ड भी लगा रखे हैं हमने कि हम उसका पूरी एहतियात बरतते हैं ताकि कोई हादसा ना हो, किसी को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, हमारी जात से किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। अभी शासन का कोई आदेश आता है, जो आदेश आएगा हम हिंदुस्तानी हैं, शासन के आदेश के हम उसके उसी के अनुसार हम रहेंगे। मस्जिद कब की बनी हुई है? 1941 की। और ये दुकानें कब बनी है? 1941 में जब से बनी हुई है, दोबारा तामीर हुई 1973 में, 46 साल पहले, आज से 46 साल पहले। लगता कि अगर मस्जिद को बड़ा करने के लिए दुकानें कहीं और ले जाएगी? नहीं, ऐसा है ना, कोई भी संस्था हो, कोई भी ट्रस्ट हो, तो उसकी एक इनकम भी होती है, उसकी मेंटेनेंस है, देख रेख है, इमाम है, तो उसके लिए चाहिए जो होता है, तो उसमें। बिना इंजन के रेलवे ट्रैक पर दौड़े दो कोच, विभाग में मचा हड़कंप, स्टेशन अधीक्षक समेत चार पर गिरी गाज। बरेली के स्टेशन पर बिना इंजन ट्रेन दौड़ने की सूचना पर रेलवे में हड़कंप मच गया है। अनंत फलन में रेलवे ट्रैक पर पत्थर डालकर रोका गया, गनीमत यह रही कि ट्रेन के दो कोच थे जो खाली थे, जिससे बड़ा हादसा होने टल गया। इस मामले की सूचना पर पूर्वोत्तर रेलवे के अफसरों को मिली तो उन्होंने स्टेशन अधीक्षक समेत चार लोगों को सस्पेंड कर दिया। इस मामले में इज्जतनगर मंडल के DRM का कहना है कि जांच ADRM को दी गई है। इस मामले में पॉइंट मैन रेनू पासवाल, प्रभात चंद सक्सेना, इंजन ड्राइवर दिनेश कुमार और स्टेशन अधीक्षक महेश चंद को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में DRM दिनेश कुमार सिंह ने बताया, उसमें शंटिंग के दौरान जो है, कल ये ऐसी खबर लगी है, शंटिंग के दौरान एक AC का डब्बा था जो कि वहाँ पे रखा हुआ था बरेली सिटी जंक्शन पर, तो उससे शंटिंग के दौरान कुछ ठीक से नहीं हो पाया, जो शंटर था उससे,
और वो डब्बा रोल करके खिसक गया था, लेकिन इससे कोई दुर्घटना तो नहीं हुई थी, लेकिन ये एक गंभीर लापरवाही थी और इसको ध्यान में रखते हुए जो तात्कालिक रूप से जो भी उस वक्त जो दोषी लोग समझे गए हैं, जो स्टेशन बरेली सिटी स्टेशन के जो शंटर थे, जो लोको पायलट जो इंजन को चला करके आ रहे थे और जो स्टेशन मास्टर और एसएस जो वहाँ के हैं, उनको निलंबित कर दिया गया और अभी इस मामले की जांच की जा रही है कि इसमें जो चूक हुई है वो कैसे हुई है और किन कारणों से हुई है, क्योंकि रेलवे में जो सिस्टम है वो हमारा फूल प्रूफ है और इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए, इस तरह की दुर्घटनाएं होनी नहीं चाहिए। तो प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि कहीं पे हमारे जो स्टाफ हैं उनसे कोई चूक हुई है और जांच के बाद से जो भी दोषी लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो था तो स्लोप से रोल करता हुआ गया और फिर वो इसको लोगों ने प्रयास करके और कुछ पत्थर वगैरह उस पर डाल करके, क्योंकि स्टाफ तो वहाँ पर था ही साथ में, तो इन लोगों ने रोकने की कोशिश की और रोकने में सफल भी हुए। मेनली हम लोगों के लिए एक लर्निंग लेसन है, अगर कोई इस तरह की चीज़ हुई है इससे बड़े हादसे हो सकते हैं, तो हमें जो है वो इस तरह की घटनाओं को नहीं ही होने देना है। जो प्राइमा फेसी लग रहा है कि जो शंटिंग के दौरान शंटर उसको ठीक से कपल नहीं कर पाया, अगर वो कपल कर देता तो इस तरह की बात नहीं होती, और दूसरे जो उसमें गुटके लगे थे वो भी डिस्प्लेस हो गए या टूट के गिर गए, तो जिससे कि जो डब्बों का जो है वो जो जिसको सिक्योर करते हैं उसमें कहीं पे कोई चूक हुई है, तो इसको हम लोग दिखवा रहे हैं और जो अभी जूनियर स्केल लेवल पे हमारे जो अधिकारी हैं वो लोग जांच कर रहे हैं और इसमें कोई भी जो भी कमी पाई जाएगी अगर, तो उसमें सिस्टम्स में जो सुधार करने होंगे सिस्टम में भी सुधार किए जाएंगे और अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज को आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देखने के लिए हमारे से संपर्क करें फोन नंबर 9760095470। ये हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली का गंगाचल हॉस्पिटल, डिपुरम बरेली। समाचार सही खत्म होता है, अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी।